मध्य प्रदेश की राजनीति में बीजेपी की सत्ता वापसी कराने में अहम भूमिका निभाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया से किया वादा बीजेपी पूरा करने जा रही है। सिंधिया को मोदी कैबिनेट में जगह मिलना लगभग तय हो चुका है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि उन्हें कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा, लेकिन चर्चा है कि उन्हें रेल मंत्रालय दिया जा सकता है। इसके अलावा मानव विकास संसाधन मंत्रालय दिए जाने की बात भी चर्चाओं में बनी हुई है। सिंधिया को मोदी कैबिनेट में शामिल करने से पहले एक सवाल खड़ा हो रहा है कि थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल क्यों बनाया गया। दरअसल थावरचंद मध्य प्रदेश कोटे से कैबिनेट में मंत्री थे। माना जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को जगह देने के लिए थावरचंद को कैबिनेट से हटाया गया है। 73 साल के थावरचंद 2014 में मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से लगातार उनकी कैबिनेट में शामिल रहे। हालांकि सिंधिया की प्रोफाइल क्या होगी ये अभी तय नहीं है। ये चर्चा जरूर है कि मोदी उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया को कैबिनेट में शामिल करके और एक बड़ा मंत्रालय की कमान देकर बीजेपी विपक्ष के सामने एक मजबूत संदेश देना चाहती है।